समाजवादी पार्टी ने सांसदों के आदर्श गांवों के पोल खोलने का ऐलान किया है। इसके लिए लखनऊ से युवा कार्यकर्ताओं की एक टीम जा रही है पूर्वांचल के 16 सांसदों के क्षेत्र में और वहां जाकर के उनके गोद लिए गांव की हकीकत लोगों को बताएगी। हमारे साथ इस टीम के सदस्य मौजूद हैं और इन्हीं से बात करते हैं कि क्या योजना है और ये लोग अपना दौरा कब से शुरू करके कब तक खत्म कर रहे हैं, क्या योजना है इसकी, आपका नाम क्या हुआ? मैं अंकित सिंह बाबू हूँ, छात्रता हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में। आदर्श ग्राम योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने के सांसदों द्वारा जो गोद लिए गांव थे उनकी क्या हकीकत है, उस हकीकत की को हम असल मायने में देखने जा रहे हैं। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से झूठ बोलती है बरगड़ा करके इस देश में राजनीति की और सरकारें बनाई, कैसे करेंगे आप इसका सर्वे, कैसे करेंगे, कैसे कौन से मानक हैं जिन पर आप लोगों को तय करेंगे कि वो गांव विकास हुआ या नहीं? आदर्श ग्राम का जब हम मानक उठा करके पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी शर्तें दी गई हैं कि सामाजिक विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, राजनीतिक विकास होना चाहिए, मतलब सारी चीजों का विकास हो और उसका एक बहुत बड़ा बजट होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये योजना तो शुरू की लेकिन उसके बजट का कोई प्रावधान नहीं किया। क्या आप लोगों के पास कोई डाटा है कि जो गाँव है उनका हाल क्या है? जी, डाटा तो हम लोगों के पास है और हम लोग जा करके गाँव में जो डाटा कलेक्ट करके और जो वहाँ पर प्रधानमंत्री का आदर्श ग्राम योजना के तहत जो वहाँ पर घोषणा पत्र में जो काम था वो काम नहीं हुआ, तो उन कामों को जो हम लोग जनता में बताकर और माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को बताएंगे और उनको बताएं कि अगर ऐसा काम नहीं हुआ तो 2019 में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के समाजवाद का झंडा मौजूद कीजिए। आप क्या आप जो ये 16 सीटें हैं, 16 सीटों का काम आप लोग कब तक पूरा करेंगे? 16 सीटों का हमारा कार्यक्रम 3 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, 3 फरवरी से, और हम लोग 20 तारीख को मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के जयपुर गांव में इसका समापन करेंगे और वहीं से आह्वान करेंगे देश की जनता को कि क्या हकीकत और क्या दावे हैं। इसी बात पे आदम गोडवी जी का एक शेर मैं बोलूं कि तेरी फाइलों में गांवों का रंग गुलाबी है, ये आंकड़े फर्जी और दावे किताबी हैं। आदम गोडवी जी के इस दावे को लेकर जा रहे हैं, लेकिन जहां तक कहा जाता है कि मोदी जी ने जो गांव गोद लिया है जयपुर, उसका विकास तो ज्यादा हुआ है। अब ये अलग हो सकता है कि एक तस्वीर निकल कर आए कि प्रधानमंत्री मोदी के गोद लिए हुए गांव और दूसरे सांसदों के गांव में अंतर कितना है। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से अखिलेश तिवारी।